इन हिंदू इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। एक लंबे अरसे के बाद पूरा का पूरा गांधी परिवार एक मंच पर और एक साथ नजर आया। एक तरफ जयपुर की धरती से कांग्रेस ने महंगाई हटाओ का नारा लगाया, तो वहीं जैसे ही राहुल गांधी के हाथों में माइक आया तो जिक्र हिंदू और हिंदुत्व का भी आया। राहुल ने देश की जनता को इन दोनों शब्दों का मतलब समझाया और भाजपा को हिंदुत्ववादी कहकर खुद को हिंदू बताया। लेकिन ऐसे में समझने वाली बात अब यह है कि ना तो राजस्थान में चुनाव है और ना तो चुनावी रैली थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को जयपुर की महंगाई रैली में असली हिंदू और नकली हिंदू का राग अलापना पड़ा? क्या जयपुर की रैली से राहुल यूपी को कोई संदेश भेजना चाहते थे, या फिर खुद को बड़ा हिंदू बताकर राहुल बीजेपी के चुनावी एजेंडे पर प्रहार कर राष्ट्रीय तस्वीर खींचना चाहते हैं? जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी जब विकास के साथ हिंदू और हिंदुत्व की पिच पर चुनावी बैटिंग करती है तो रिजल्ट उसके हक में आसान हो जाता है। अब विरोधी भी बीजेपी की इसी पिच पर बैटिंग करना चाहती है, जिसमें से कांग्रेस प्रमुख है। लेकिन ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या बीजेपी के खिलाफ दम भरने वाली कांग्रेस को हिंदू हिंदुत्व पर सफलता मिलेगी, या फिर इस बार भी अफसोस करना पड़ेगा। खैर, इसमें कोई दो बात नहीं है कि साल 2014 के बाद से लेकर अब तक की तस्वीरों को खंगाला जाए तो इससे एक चीज तो साफ होता है, वो ये कि वक्त बदलने के साथ साथ मोदी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बने हैं। वो जहां खड़े होते हैं वहां एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। ऐसे में राहुल गांधी का ये हिंदू हिंदुत्व का पिच पर बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। अब इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी का कहना है, बीजेपी एजेंडा तो हिंदुत्व का सेट करती है, लेकिन जिनको वो हिंदू नेता मानती है उनकी चर्चा चुनाव में उस तरह नहीं करती है। बीजेपी सावरकर की बात नहीं करती बल्कि पटेल और जिन्ना की बात करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन नेताओं के नाम के साथ चलना आसान काम नहीं है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने लकीर खींच दी और बता दिया कि असली हिंदू कौन है और जनता को किसका साथ देना चाहिए। राहुल ने कहा कि असली हिंदू वो है जो गांधी के विचार पर चलते हैं, और हिंदुत्ववादी वो हैं जो गोडसे को मानते हैं। और ये फर्क बताते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और मौजूदा सरकार के लोगों को हिंदुत्ववादी बताया। खैर, राहुल गांधी के धर्म को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। राहुल के बयान के बाद भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आई। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि राहुल गांधी को ना हिंदू की समझ है और ना हिंदुत्व की। वही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ना हिंदू हैं और ना हिंदुस्तानी। इस तरह राहुल ने खुद को असली हिंदू बताने का प्रयास तो किया ही, साथ ही अपने विचार को महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में भी आगे रखा। 2014 में जब केंद्र के सत्ता में बीजेपी आई, तब से कांग्रेस का चुनावी ग्राफ गिरता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी राज्य दर राज्य विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। एक वक्त तो ऐसा आ गया जब 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन दलों की सरकार बन गई। चुनाव में हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान होता रहा, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी को घेरते भी रहे, लेकिन नतीजे अंततः बीजेपी के पक्ष में ही गए और कांग्रेस चुनाव हारती चली गई। शायद यही वजह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी समय समय पर कांग्रेस को आईना दिखाते रहे हैं। बीजेपी अगले कई दशक तक रहने वाली है उनकी नजरों में। फिलहाल पीएम मोदी जैसा व्यक्तित्व देश में कोई दूसरा नहीं है जिसके पास समाज को करीब से जानने समझने, राजनीतिक संगठन को और सरकार चलाने का इतना बड़ा अनुभव हो। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व के पिच पर राजनीतिक बैटिंग करना कितना आसान होगा? ऐसे में तब जब उनके सामने हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं।
देश की आज जो हालत है शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन चार पांच पूंजीपति के हाथ, हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में, मंत्री के ऑफिस में, आरएसएस के ओएसडी, देश को जनता नहीं चला रही है, देश को तीन चार पूंजीपति चला रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी। मगर इन चीजों के बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्यग्रह, पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए,
सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा। उसे सत्ता चाहिए, उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है, हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और एक इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर दुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया, क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है।